चलो स्टार्ट करते हैं 9.2 का पार्ट 3। आज इस एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि हमें पी फाइंड करना है। ओके, पी फाइंड करना है। तो एक बात याद रखो, किसी भी ट्राइंगल में सारे एंगल का सम यानी तीनों एंगल का सम हमेशा क्या होता है, 180 होता है। हमेशा क्या होता है, 180 होता है। ओके, यानी पी प्लस 55 जो एंगल लिखा हुआ अंदर, इन सब का सम कितना होगा, 180 होगा। ऑलवेज द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स इज 180। तो इन्हें ऐड कर लो और क्या, ये तो होगा। अब इसे ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोजिशन के हिसाब से ये 180 और ये इधर गया -80, यानी कितना आ गया, 100। राइट, ये हमारा आंसर हो गया। नोट इट डाउन। फिर करते हैं हम लोग 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है ए प्लस 5 = 4, वट इज द वैल्यू ऑफ 3a+6। तो बहुत आसान है, पहले हम ए की वैल्यू निकालते हैं, इसे ट्रांसपोज करेंगे सर, तो 4 - 5 तो ये आ जाएगा -1। ये तो सबको पता ही हो गया, अब तो ये जान गए होंगे कि बड़ा ये, तो इसका सिंबल ये लग गया। अब इसमें पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू, एक क्वेश्चन है यहाँ पे -1 पुट करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई लिखा है, याद रखना, अगर इस तरह लिखा हो तो इसका मतलब है इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। तो ये -3 + 6 = 3, ये आ गया आंसर। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो होमवर्क है, या तुम लोग आंसर उसका मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओगे। ओके, तो वैसे तो बहुत कमी बच्चे कर रहे हैं कमेंट, पर देखते हैं कौन करता है। और थोड़ा लाइक कर दिया करो, और फॉर दोज जो डिसलाइक कर रहे हैं वो भी ठीक है भाई, देख तो रहो, कुछ बच्चे डिसलाइक ही करने में खुश पा रहे हैं, खुशी पा रहे हैं, तो वो भी अच्छा है कि वो डिसलाइक तो कर रहे हैं, आखिर देखते तो हैं वीडियो, तभी तो डिसलाइक कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं लाइक डिसलाइक जो भी करना है कर लेना, बाकी कमेंट कर देना। ओके, इसमें क्या है, व्हेन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई -6, बोला है कि नंबर को -6 से मल्टीप्लाई करते हैं, द रिजल्ट इज -4। तो रिजल्ट क्या हो रहा है, -84, सॉरी -84। ठीक है ना, फाइंड द नंबर। तो भाई इसको सोल्यूशन ऐसे होगा बेटा, देखो लेट करो, लेट द नंबर बी, मान लेते हैं एक्स, नंबर हमने मान लिया एक्स, कह रहे नंबर को मल्टीप्लाई किया गया -6 से, यानी एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -6 से, तो हमें मिल क्या रहा है, 84। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा, तो डिवाइड क्या होगा, डिवाइड, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, याद रखना मल्टीप्लाई से इधर गया तो डिवाइड हो गया, कि माइनस से प्लस नहीं होगा। ठीक है, एक ही चीज होती है, और पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला होता है, ये मैंने पीछे बताया था। ठीक है ना, अब डिवाइड कर लो, तो 6 1 जा 6 बचा 2 24, और 6 4 जा 24, ये होता है, तो एक्स इक्वल टू आ गया 14। ओके, नाउ नोट इट। फिर हम करते हैं 11। देखो इसमें क्या लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड 25 इज 1000, व्हाट इज अ नंबर। ठीक है, वो नंबर क्या होगा, तो लेट करते हैं, लेट द नंबर बी, इसमें कुछ और मानते हैं, जो मानते हैं जेड। ठीक है, जेड मान लिए, कह रहा है जेड मल्टीप्लाई नंबर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई किससे, 25 से, आ रहा कितना, 1000। अब इसको इधर भेजें, तो ये बात समझो, मैं तुम्हें समझाता हूँ, ये मल्टीप्लाई है, इधर गया डिवाइड होगा, ये तो मैं हर बार कहता हूँ कि मल्टीप्लाई क्या होता है, डिवाइड। ठीक है, अब इसको ऐसे लिखूँ, और फिर ये 1/25 होगा, राइट, और उसके बाद इसको चाहे तो ऐसे लिखें। अब मैं ये पूरा स्टेप ना करके डायरेक्ट यहां से यहां लिख देता हूं हर बार, पर इस बार मैंने तुम्हें पूरा करके समझाया है ताकि तुम्हें कोई डाउट ना रहे। ठीक है ना, अब इसे डिवाइड कर लो, बस हो गया हमारा आंसर 24 यानी 40। ओके, चलो इसे देख लो, और भाई जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया करो, और लाइक और शेयर कर देना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं 13। ठीक है ना, और 12 का आंसर तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, कुछ खुद भी करो। ठीक है ना, कमेंट करके बताओगे तुम लोग कि 12 में कैसे होगा। ओके, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक, बाकी 13 करते हैं। 13 में लिखा है अ बोइंग प्लेन है जिसकी स्पीड गिवन है। देखो मैं मेन मेन चीज़ बता देता हूँ तुम्हें, मैंने लिखा नहीं पूरा सवाल, स्पीड गिवन इसकी 600 किलोमीटर पर आर। स्पीड हमेशा किलोमीटर पर आवर में गिवन होती है। ठीक है ना, तुम्हें इसमें बोला हुआ है डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस कितना गिवन है,
इतना डिस्टेंस हमें गिवन है। तो बोल रहा है अगर इतनी इस स्पीड से चलेंगे तो वन इतनी इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, इतनी डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो एक फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें टाइम पूछा है इसमें, ये टाइम है ना, हमें टाइम पूछा है तो टाइम को उधर ले आओ यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं सारी। तो टी इक्वल टू डिस्टेंस कितना है और टाइम कितना, और सॉरी स्पीड कितनी थी, 0000। ठीक है ना, इसे डिवाइड करें तो ये आ रहा है हमारे पास 25 आवर्स। टाइम हमेशा आवर्स में होता है ना, इसलिए। समझ में आ गया, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना कमेंट करके, हम मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है ना, तो इसी तरह ये चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे कौन सा, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर 9 कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा चैप्टर 10। ठीक है, तुम भाई वीडियो को सब्सक्राइब करना, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना और लाइक करना और कमेंट करना। करते तो बहुत कम ही लोग हो, मगर करना जरूर, सब्सक्राइब जरूर करो, शेयर जरूर करो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे और टेक केयर।